ग्लैंड्स क्या है? जब हमारे बॉडी किसी भी चीज़ को सिक्रेट करती है, चाहे हमारा ऑर्गन्स सिक्रेट करे या सेल सिक्रेट करे, तो उसको बोलते हैं ग्लैंड्स। और सिक्रेटेड मटेरियल्स को बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो हॉर्मोन्स फॉर्म में हो, चाहे वो एंजाइम्स फॉर्म में हो। हमें जानने की बात ये होती है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिर्फ हॉर्मोन्स को ही सिक्रेट करेगा, और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होता है वो एंजाइम्स को ही सिक्रेट करता है। बेसिकली ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स करेगा हॉर्मोन्स को सिक्रेट, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करेगा एंजाइम्स को। तो कहने का मतलब है, हॉर्मोन्स कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, और एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। इस फिगर से हम समझेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशंस ऑन सम सर्फेसेस, किसी सरफेस पे वो अपना सिक्रेशन डाल सकता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है कि जब ये केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करता है, सिक्रेट करेगा, तो वो अपने टारगेट सेल पे कैसे पहुंच पाएगा? वो डक्ट के थ्रू अपने टारगेट सेल तक पहुंच पाता है। मान लो एक्सोक्राइन क्या रिलीज़ करता है? एंजाइम्स को। एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज़ हो गया है, और वो अपने फंक्शंस को करने के लिए, अपने फंक्शंस करने के लिए वो टारगेट सेल तक कैसे पहुँचेगा? क्योंकि मान लो यहाँ पे तो रिलीज़ हो गया, लेकिन काम उसको यहाँ पे करना है, तो वो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? वो डक्ट के थ्रू इस सेल पे पहुँचेगा और अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे? डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, कि जब ये एंजाइम्स रिलीज करेगा अपने टारगेट सेल्स पे पहुंचने के लिए, वो डक्ट की हेल्प लेता है। क्लियर? एक्सोक्राइन को हम दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो ये किसी पर्सन का हाथ है, और यहाँ पर क्या होते हैं, एक तरह का ग्लैंड्स पाया जाता है इंटरनल। आपको इधर से भी ग्लैंड्स मिलेंगे। सपोज़ क्या है, ग्लैंड्स हैं, इसको हम स्वीट ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं। मान लो हमारे यहाँ पे स्वीट ग्लैंड्स हैं, तो जब ये रिलीज़ होगा, हमारे ऊपर वाली बॉडी पे रिलीज होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी। तो ये क्या है, एक बार फिर समझेंगे। यहाँ पे हमारे स्वीट ग्लैंड्स है, जब ये रिलीज़ करेगा केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करेगा, तो क्या है, यहाँ पे ऊपर वाले सरफेसेस पे पसीना आ जाएगा हमारे बॉडी पे। ठीक है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रेट करता है सिक्रीशंस को अपने सरफेसेस पे। ठीक है, तो ये सिक्रेट डायरेक्ट स्किन पर कैसे करेगा? ये करेगा क्योंकि एक्सोक्राइन क्या है, डक्ट ग्लैंड होता है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे स्वीट ग्लैंड्स है, और जब ये रिलीज होगा तो वो डक्ट के थ्रू, यहाँ पे डक्ट बने होंगे, तो डक्ट के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे ही ऊपर बॉडी सरफेस पे ये सिक्रेट कर देता है डक्ट के थ्रू। समझ में आया? अगेन मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ कि ये स्वीट ग्लैंड्स है, जब ये रिलीज़ होते हैं तो वो डक्ट के थ्रू बाहर हमारी बॉडी पे ही सिक्रेट होते हैं। किस फॉर्म में? पसीने के फॉर्म पे, स्वेटिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसे फिर समझेंगे फिगर से, कि ये हमारे किसी पर्सन के बाजू है, यहाँ पर क्या है, ग्लैंड्स है, स्वीट ग्लैंड्स है अंदर, और ये जब ये सिक्रेट होते हैं तो ये बाहर अपना एक्शन कैसे शुरू करेंगे? पसीना कैसे आएगा किसी पर्सन को? जब ये सिक्रीशन दूसरे बाहर तक पसीना लाने के लिए इस डक्ट पर काम करेगा, डायरेक्टली इस पे पहुंचा देगा, डक्ट के थ्रू बाहर पहुंचा देगा, रिलीज़ कर देगा, तो यहाँ पे अपना एक्शन किस फॉर्म में दिखेगा? पसीने के फॉर्म में दिखेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो डक्ट के थ्रू अपना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पहुँचाता है और अपना काम स्टार्ट करता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट फिगर है एंडोक्राइन सिस्टम के। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये क्या करेगा,
जब ये कोई केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रिट करेगा, तो एंडोक्राइन किस चीज़ को सिक्रिट करता है? हॉर्मोन्स को। जब ये हॉर्मोन सिक्रिट करेगा, जब वो दूसरे टारगेट सेल पे पहुंचाना अपना काम करना होगा, तो वो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि ये तो डक्टलेस है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचाता है ब्लड के थ्रू। ब्लड जो वेन्स आर्टरी जो जुड़ी होती है वो यहाँ तक जुड़ी होगी, हमारी फुल बॉडी तक पहुँचाएगी। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हॉर्मोन्स अपना एक्शन कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ज़्यादातर हॉर्मोन्स ब्लड में जाकर किसी और ही पार्ट पर जाकर एक्शन करते हैं बॉडी में। एक्सोक्राइन क्या कर रहा था? उसी पार्ट में एक्शन कर रहा था, डक्ट के थ्रू वो वहीं पे अपने नियर बाई एरिया में अपना काम स्टार्ट कर रहा था। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हॉर्मोन्स रिलीज करेगा उसी पार्ट में, लेकिन ब्लड के थ्रू जाकर वो किसी और पार्ट पे पहुंचेगा और वहाँ पर अपना एक्शन स्टार्ट करता, अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड को समझने के लिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जांपल लेते हैं। आप सभी को पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम यहाँ पे लेते हैं सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स काफ़ी हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं लूटिनाइजिंग हॉर्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है। तो ये क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में होता है स्टूडेंट्स, सभी को पता है। इसके जो हॉर्मोन्स पता है कहाँ पर जाकर ये सिक्रेट करते हैं? ये करते हैं अगर फीमेल्स हो तो वो ओवरीज पर जाकर अपना ये हॉर्मोन्स काम करेंगे, अगर मेल हो तो वो टेस्टिस पर जाकर ये हॉर्मोन्स अपना काम शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, जब ये केमिकल सब्सटेंस मतलब हॉर्मोन्स को सिक्रेट करेंगे, तो ये अपना फंक्शन इसी एरिया पे नहीं करेंगे, वो कहीं दूर जाकर किसी और ऑर्गन्स पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। किसके थ्रू? ब्लड्स के थ्रू, क्योंकि ये डक्टलेस है, तो ये ब्लड कैपिलरीज वेल्स के थ्रू ये इस ऑर्गन्स तक हॉर्मोन्स पहुँचते हैं और वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं।